नमस्ते इंडिया, शारदा चंद्र की पाकशाला में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मूली के लच्छा पराठा। तो मूली का लच्छा पराठा बनाने के लिए हमने लिया है 2 कटोरी आटा को गूंद लिया है। इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी अजवाइन डालकर हमने इसका डो बना लिया है। और मैंने एक ये मीडियम साइज की मूली ली है और इसको कद्दूकस करके इसका पानी निचोड़ दिया है। इसका जो पानी का रस था वो हमने आटा गूंदने के लिए यूज किया है। अब इसमें हम कुछ बेसिक मसाले डालते हैं। 1/4 चम्मच अमचूर पाउडर, थोड़ा सा चुटकी भर चाट मसाला, लाल मिर्च जितनी आप खाना चाहो, हरी मिर्च मैंने 1 ली है, चुटकी भर हींग, 1 चम्मच धनिया पाउडर, चुटकी भर अजवाइन, नमक हम अभी नहीं डालेंगे, बाद में डालेंगे, और 1 मुट्ठी पत्ते मूली के, थोड़ा सा हम इसमें अदरक डालेंगे कद्दूकस करके। पराठा बनाने के लिए हम इसका थोड़ा आटा ले लेते हैं इसमें से, और ये रोटी से डबल ही लेना है, और इसको सूखे आटे में लगा लेंगे। पराठा हमने बेल लिया है, अब इसके ऊपर हम लगाएंगे बटर। आप इस पे घी भी लगा सकते हैं, तेल भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसे बटर में बना रही हूँ। इससे बटर में बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। बटर हमने लगा दिया है। अब इस पे जो मूली का मसाला जो हमने बनाया है उसको अच्छे से बिछा देंगे इस पर, इसको अच्छे से प्रेस कर दें हाथ से, और इस पर थोड़ा सा सूखा आटा लगा दें। अब इसे हम इस तरह से पैक करते जाएंगे। चपटा ही रखना है, इसे गोल नहीं करना है। और इसको भी उठाकर इधर रख देंगे हम। इस तरह से पूरा हमने पराठा शेप में बना लिया है। अब इसे हम बीच में से इस तरह से थोड़ा छोड़ेंगे और यहाँ से इस तरह से कट कर लेंगे। अब इसे दोनों तरफ से इस तरह से चिपका देंगे। ये देखिए इस तरह से, और इसे अब इस तरह से गोलाई में फोल्ड करते जाएंगे। ये देखिए, और इसे लास्ट वाले हिस्से को थोड़ा सा नीचे की तरफ दबा दें। तो देखिए हमारा पराठा कितना बढ़िया लग रहा है। नमक अब डालेंगे हम इसके ऊपर, थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे। अब इसे हम सूखा आटा लगाएंगे और इसे बेल लेंगे। पराठा हमने बेल लिया है, पैन हमने गरम कर लिया है, इसे थोड़ा घी लगाकर ग्रीसी कर लेते हैं। अब हम इस पर पराठा रख देंगे और मीडियम टू स्लो गैस पर ही रखेंगे इसको। तब तक हम एक और पराठा बना लेते हैं। इसके ऊपर डाल देते हैं नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सूखा आटा, और इसको भी हम इसी तरीके से फोल्ड करते जाएंगे, और इसको भी हम उसी तरीके से थोड़ा सा यहाँ रखेंगे और इसको बीच में से कट कर लेंगे और इसे
इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। देखिए अब इसे भी बेल लेंगे। पराठा हमने पलट दिया है, इधर से भी सेक लेंगे। पराठा हमने बेल कर तैयार कर लिया है। तो देखिए ये हमने पलट कर इस पर घी लगा दिया है। हमारे लच्छे देखिए कितने अच्छे बने हैं। ये देखिए हमारे लच्छे, दोनों साइड हमने घी लगाकर इसे सेक लिया है। ये देखिए पराठा हमारा बढ़िया बना है, एकदम कुरकुरा। ये देखिए लच्छे एक एक करके खुल रहे हैं। अब हम दूसरा पराठा भी सेक लेते हैं। एक पराठा हमारा सिक चुका है और इस पर हम लगाएंगे बटर भैंस की। ये देखिए एकदम बढ़िया बनाया, कितनी परतें हैं इसकी देखिएगा। ये देखिए सारी परतें खुल रही हैं इसकी एक एक। बहुत ही करारा और बढ़िया पराठा बनता है लच्छेदार। ऐसे ही हमारा दूसरा पराठा भी सेक लेंगे। दूसरा पराठा भी हमारा बनकर तैयार है। इस पर भी हम थोड़ा बटर लगाएंगे। तो मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी जरूर बनाइएगा। और मेरी मूली के लच्छे पराठे की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।